हाय ज्योति, हाउ आर यू? हाय आयुष, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप? पहले तो आपका स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में। और थैंक जिस यू. तरीके से आपने लड़कियों के दिल की बात जान ली और गाना बना दिया कि लड़कों से इसी वो दो चीज चाहते कि आई लव यू बोलो और फिर सॉरी बोलो। बिल्कुल बताइए। सही. वही जो मैंने ऑब्जर्व किया हर जगह और पर्सनली भी ऑब्जर्व किया. एंड नॉट ओनली, मैं इसको एक बहुत ही जेनरिक वे में भी पेश करना चाहूंगा कि नॉट ओनली इन कपल्स या हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप दो चीज तय कर लो ना कि आपने प्यार जताना भी है और अगर खटपट हो जाए या गलती हो जाए तो सॉरी भी बोलनी है. तो लव यू और सॉरी, ये दो वर्ड्स अगर आप बोलते रहोगे ना, एंड इसको बोलने में आप झिझकोगे नहीं कभी भी. गलती होगी तो मैं बोलूं कि ना बोलूं सॉरी, या कौन बोलेगा पहले, या प्यार जताना भी जरूरी है, वो भी जरूरी है. तो ये दो वर्ड्स अगर आप बोलते रहोगे तो कोई भी रिलेशनशिप बड़ी हेल्दी रिलेशनशिप हो जाती है. पर आपने तो सीख लिया, क्या आपको लगता है आपके गाने से लड़के सीख जाएंगे? हाँ, मैंने कोशिश तो यही करी है कि मैं मन की बात रखूं लोगों की, एंड स्पेशली आपने जैसे बोला लड़कियों की मन की बात रखूं मैं, कि ये चीज कहना सीख जाओगे तो बात बन जाएगी आपकी. जी, तो जानना चाहूंगी इस सॉन्ग के बारे में। सॉन्ग तो बाहर आ चुका है और लोग प्यार भी दे रहे हैं, तो कैसे शुरुआत हुई इस सॉन्ग की, मुझे बताइए। स्पेशली ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक होल सीन ना, ये इतना ज्यादा नेगेटिविटी हो गई थी कि जो मेरी टीम है, टीम इल्लुमिनाटी, उसमें आई वुड से द हेड ऑफ द फैमिली जो हमारे पाजी हैं, अनूप पाजी, अनूप कुमार जी, हु इज द फेस ऑफ दिस इल्लुमिनाटी टीम, उन्होंने एक विजन दिया ना मुझे कि इस टाइम पे स्पेशली आयुष, वी नीड टू मेक पीपल हैप्पी. अगर हम किसी को थोड़े टाइम के लिए भी, 3 मिनट के भी, किसी को किसी उनके ऐसे लव्ड वन से कनेक्ट कर पाए ना, कि वो अगर डिस्टेंस से भी दूर हो चुके हैं लेकिन वैसे कनेक्ट कर दें, तो आई थिंक वी हैव डन अ पार्ट. तो ये चीज उन्होंने विजन दिया कि कुछ बनाते हैं ऐसा. एंड देन केम इन माय टीम मेंबर्स ऑफ इल्लुमिनाटी, जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, लिरिसिस्ट हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं. वी ऑल सैट टुगेदर एंड ये सॉन्ग वाज, आई वुड से दिस सॉन्ग वाज क्रिएटेड इन आई थिंक 1.5 आवर्स. ठीक है, एंड जो भी हमने स्क्रैच बनाया था ना, मतलब जब भी सबने सुना और पाजी ने भी सुना, तो अनुप पाजी वाज लाइक कि दिस वाज समथिंग आई वाज लुकिंग फॉर, मतलब एक क्लिक्ड ऑल ऑफ अस टुगेदर. देन हम लोगों ने शेयर करा इसको जस्ट म्यूजिक के साथ, एंड आई फील रियली ब्लेस्ड कि पूरी जस्ट म्यूजिक की टीम को, दिशा जी को एंड जैकी सर को पर्सनली गाना बहुत पसंद आया. एंड जब उनको पसंद आया, उन्होंने बोला हम इसको रिलीज करना चाहेंगे. सो आई वॉज रियली हैप्पी बिकॉज दे आर रियली चूजी ऑन देयर कॉन्टेंट. आई हैव सीन दिस, यस वो अब बहुत ही चूजी हैं और अच्छे गाने उठाते हैं. तो जब उन्होंने ये गाना रिलीज करने का, तो आई वॉज रियली हैप्पी एंड आई वॉज मोटिवेटेड कि येस, वी आर ऑन द राइट पाथ. एंड देन उसमें और भी सारे की मेंबर्स आए, एंड आई वुड से जनक भानुशाली जी आए एंड गौतम माधवन जी आए फ्रॉम मैड इन्फ्लुएंस. तो इतनी सारी लोग, इतने सारे दिल से जुड़ गए ना, एंड सबको एक बोलते थे यार गाना बहुत अच्छा है, यार गाना बहुत अच्छा है, इसका कुछ अच्छा से करना है, अच्छे से करना है. तो मेरा पार्ट मे बी आप बोल सकते हो इन्वॉल्वमेंट मेरी टीम के साथ, या अकेले भी कहो, तो सिर्फ सॉन्ग प्रिपरेशन, ऑडियो ऑन शूटिंग तक. जो आई वुड मेंशन, स्पेशली मेंशन आलिया हमीदी, जिन्होंने फीचर कराया इसमें, को एक्ट्रेस मेरी, शी हैज डन अ रियली रियली गुड जॉब, मेड मी फील रियली कंफर्टेबल बिकॉज दिस वाज माय सेकंड वीडियो एवर एंड माय फर्स्ट पंजाबी सॉन्ग. सो ऑल टुगेदर मेरे को, आई वुड टेक इट एज अ ब्लेसिंग कि मुझे सारे सारे बंदे इतने अच्छे मिले कि मुझे स्ट्रेस पर्सनली नहीं लेनी पड़ी कुछ भी, मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, बस आई वेंट विद द फ्लो एंड एवरीथिंग हैपेंड. जी, और जैसे आपने कहा कि जस्ट म्यूजिक की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा चूजी हैं वो, और उनके जितने भी सॉन्ग्स आते हैं वो ट्रेंडिंग में जाते ही जाते हैं, तो हम उम्मीद बिल्कुल करेंगे कि ये भी सॉन्ग ट्रेंडिंग में जाए। टच वुड, बिल्कुल जाए. एंड आई थिंक अभी जैसा अभी तक का रिस्पांस मैं देख पा रहा हूँ, अभी मेरे को बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं मिला है बिकॉज जब से रिलीज हुआ है आई एम बिजी विद दिस, बट जितना भी मैं देख पाया हूँ बहुत अच्छा अच्छा रिव्यूज आ रहे हैं. जो आप जैसा आप कह रहे हो ना कि लोगों को वो मन की बात पढ़नी है, जो मैंने मैसेज दिया वो उनको मिल रहा है. सो आई होप एवरीथिंग गोज गुड. गाना जितना ही अच्छा प्यार से आपने गाया है और क्यूट भी आप काफी ज्यादा लग रहे हैं उस गाने में, और लिरिक्स की थैंक अगर यू. मैं बात करूं तो लिरिक्स भी लोगों का दिल जीत रही है, तो उसके बारे में बताइए। जब आपने पढ़ा लिरिक्स तो आपके दिमाग ये मैंने जैसे बोला ना रिएक्शन कि हम लोग बहुत सारे, जब भी हम गाना बनाते हैं ना, हमारी हमारी
मैं बोलूंगा ये चीज हमारे प्रोडक्शन हाउस इल्यूमिनाटी की सबसे खास बात यही है कि हमें जब भी कोई गाना बनाना होता है तो हम सारे एक साथ ही बैठते हैं, मतलब जी। ये नहीं बोल रहा कि टाइम सेविंग तो है ही है, लेकिन जब एक से ज्यादा माइंड एक ही चीज में भी फोकस करते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज निकल के आती है, बहुत ऑप्शंस भी आते हैं। तो मैंने मे बी वन पर्सन इज देयर टू कंपोज, वन पर्सन इज देयर टू राइट द लिरिक्स, वन पर्सन लिरिक नहीं यार इसमें हम ये चीज डाल सकते हैं, कोई सब अपने अपने लाइफ से कुछ ना कुछ लेते हैं ना एक्सपीरियंस। तो किसी ने ये पुट अप किया कि नहीं यार शॉपिंग भी करानी पड़ेगी और बैग भी उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो किसी ने बोला नहीं रात रात तो कॉल भी बात करनी पड़ती है, लोग सो जाते हैं। हाँ वही कह सकते हो आप, फिर म्यूजिक वैसा हुआ और पाजी का विजन ऐसा रहा कि जब उन्होंने फिर सुना बाद में बोला कि हाँ यही चाहिए था बिल्कुल। आई थिंक इट जस्ट फेल ऑन द प्लेस इटसेल्फ। अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस में पूछूं, शूटिंग का ले लीजिए, हर चीज का कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था और बहुत डिफरेंट भी था, बिकॉज शूटिंग इन लॉकडाउन इट्सेल्फ वेरी यूनिक है ना, अभी तक तो हमने ऐसा कुछ देखा नहीं था, बहुत सारी गवर्नमेंट की परमिशंस के साथ, बहुत सारी सेफ्टी मेजर्स के साथ, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब वेन एवर वी आर शूटिंग, हम में कोई भी शूट कर होता है पूरी टीम में से एवरीबडी इज देयर ना, मतलब वो एक ऐसा माहौल होता है जब हम सारे फ्रेंड्स लोग आसपास होते हैं वो सब है। ठीक है मैंने मिस तो उनको किया क्योंकि बहुत ज्यादा लोग नहीं आ पाए परमिशन के चक्कर में, लेकिन ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था कि हमने लॉकडाउन में भी शूट किया, मतलब मैं अपनी लाइफ में ये चीज भी याद रखूँ कि मैंने इतने कम लोगों के साथ शूट किया है, मतलब लिटरली जो बंदा इन्वॉल्व था ओनली ही वॉज देयर, nobody else, but all together it was a good experience. And baat ki baat karu, audio video banne ke baad bhi itna zyada work hota hai, jo ki kyunki logon ko to sirf dekho, hum jab dekhte hain hame audio sunai de rahi hai aur video dikhai de rahi hai, to usme maine dekhi, lekin uske piche itni badi team hoti hai, itni badi team hoti hai, just music ki puri team hai na, Illuminati hamari team, जनक भानुशाली जी, गौतम जी और उनकी अपनी अपनी इंडिविजुअल टीम, इतने छोटे छोटे मतलब कोई बहुत सारे लोग जो जुड़े होते हैं। तो मुझे ये पर्सनली फील जो मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूंगा इस प्रोजेक्ट से, मुझे बहुत ही स्ट्रेस फ्री मेरा रहा, मैं अगर वर्ड बोलना चाहूँ, बिकॉज एवरीथिंग मैनेजमेंट वो सब कुछ जो भी चीजें होनी थी ना स्केड्यूल, एवरीथिंग वाज रियली प्लान्ड, बहुत अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से हुआ, मुझे कोई भी हेडेक नहीं लेनी पड़ी। तभी बोलते हैं कि देखो अकेले ही सब कुछ हैंडल करना पड़े ना तो बहुत हेडेक हो जाती है, लेकिन जब टीम हो ना आपके साथ तो बहुत हेल्प होती है, बहुत इजी हो जाता है जी। और ये जाना कि 500 से ज्यादा आपने शोज किया है अक्रॉस द ग्लोब, तो अब क्या कुछ आगे प्लानिंग्स हैं? ऑब्वियसली अभी तो फिलहाल थोड़ा लॉकडाउन, जब तक ये नॉर्मल नहीं हो जाता, तो लेकिन फिर भी एक प्लानिंग तो रखी होगी आप लोगों ने कि कैसे प्लानिंग सी शोज की प्लानिंग, तो इस लाइक की ऑलरेडी बुकिंग्स हैं भी, अब ऑलरेडी बुकिंग्स वगैरह थी, बहुत लोग अपने अपने फंक्शंस वेडिंग्स ये वो प्राइवेट फंक्शन अपने अच्छे अच्छे जो उनको फंक्शन करने थे वो सब लोग अपने चाहते हैं ना अपने लव्ड वंस के साथ ही सेलिब्रेट करें, लेकिन क्योंकि अभी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है कि बहुत सारे लोग गैदर नहीं हो सकते है ना, कुछ म्यूजिक फेस्टिवल की बुकिंग्स थी वो कैंसिल हो गए, बहुत बड़े बड़े थे इवेंट वो कैंसिल हो गए, तो मैं तो अभी के लिए फिलहाल यही कहूंगा कि लेट थिंग्स बी गुड है ना एज ऑफ नाउ, क्योंकि हेल्थ से ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये शो पर्पज के लिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन बाकी लॉकडाउन में अगर मैं बोलूं कि हर बंदे ने ना हर पर्सन ने कुछ इस नेगेटिविटी में तो चलो देखा सब कुछ है, लेकिन सीखा भी बहुत कुछ है, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। सबसे ज्यादा हम लोगों ने ये सीखा कि हम सारे काम खुद कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं थे है ना, तो मैंने ये सीखा कि मैं जैसे सोशल मीडिया में बिल्कुल भी मैं एक्टिव नहीं रहता था, मतलब मेरा थोड़ा लेजी एटीट्यूड था कि नहीं 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 सोशल मीडिया में नहीं आना है, बिल्कुल मतलब लॉकडाउन में मुझे सेल्फ एनालिसिस करके ये हुआ कि आई शुड रियली कनेक्ट विद माय ऑडियंस, जो लोग मेरा म्यूजिक पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने एक छोटी सी शॉर्ट कवर सीरीज भी अपने इंस्टाग्राम पे शुरू करी थी कि मैं ऐसी कोई भी गाने वन मिनट के छोटे छोटे गाऊंगा, उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, इतने सारे लोग कनेक्ट हुए, तो मतलब लोग बोलते भी थे कि आप पंजाबी भी गाते हो, कि आप ये भी गाते हो, तो स्पेशली जो लोग मेरे को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कोई पंजाबी सॉन्ग गाओ ना, उन लोगों को तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा गो एंड वॉच दिस वीडियो एंड आई होप आपको गाना बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ओके, जाते जाते बस आपकी आवाज में एक बार फिर से गाना हो जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, मैं जो आज हमारा गाना रिलीज हुआ लव यू ते दूजा सॉरी उसी की मैं दो लाइंस गाता हूं जी, खासकर
मतलब आवाज मेरी है, लेकिन मैं अपने ऑडियंस को कहना चाहूंगा कि ये जो भी मैं गा रहा हूँ ये सारी लड़कियों की तरफ से सारे लड़कों को नखरे बाड़ी देना तेरी लगी यारी है, बड़ी लाडली मापिया दी सखिया नू प्यारी है, वे नखरे चलने ही पैने वे कहने मनने ही पैने, वो तेरी जटी मजा जा पट्टी वे जे तू है टोरी, वे दो गला वे दो गला वे दो गला कहना सीख ले, एक लव यू ते दूजा सॉरी, वे दो गला कहना सीख ले, एक लव यू ते दूजा सॉरी, वे दो गला कहना सीख ले, एक लव यू ते दूजा सॉरी। थैंक यू सो मच आयुष हमसे बात करने के, ऑल द बेस्ट बॉलीवुड स्पाई की तरफ से, और ऐसे ही आप धमाल मचाते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय।